थोड़ी बना लें, थोड़ी बना लें। ये देखें नाजरीन, ये है काफी पुरानी मस्जिद, ये कब्रिस्तान भी है छोटा सा। अच्छा अच्छा ओ सर मस्जिद इधर ये गली बंद है आगे, बंद हो, बंद नहीं उधर से दरवाजा ना, उधर से दरवाजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वैसे ये है नाजरीन बहुत पुरानी मस्जिद और ये पाकिस्तान बनने से पहले की, लेकिन इसको रेनोवेट कर लिया गया है। लेकिन अंदर से वैसे ये देख लें दीवारें तो वैसे नजर आ रही है। जी शहर के अंदर नवाब साहब ने सबसे पहले पहले 1700 में बनाई थी मस्जिद, ठीक है। 1915 में उसकी पुरानी बुनियादों पर इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया। ये देखें ना सर, इसकी जो छत है ना, ये मकान की जो है ना जमीन है बराबर। जी जी बिल्कुल, बार बार बंद रहे हैं, ये वही पहले वाली खड़ी है जगह पर ठहरी हुई है। ठीक है, जबरदस्त। तो नाजरीन ये देख लें कि ये 1700 जब नवाब ये अव्वल आए तो यहाँ पे ये पहली मस्जिद। ये नाजरीन ये दोबारा फिर बता दूं, ये अब्दुल खालिक साहब ने बताया कि ये पहली मस्जिद थी जब ये आबाद हुई, फिर इसको रेनोवेट कर दिया गया था 1915 में, ठीक है ना सर। जी जी, इसके नीचे तहखाना भी था। अच्छा, इसके नीचे तहखाना भी, यहाँ से भी सीढ़ियां नीचे जाती थी, यहाँ से जाती थी, आगे से भी जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये फिर जो मतवल्ली होंगे फिर उनकी कब्रें होंगी। ये जो यहाँ पर ये लबाद जो पहला डाकना जिस जगह पर था, जो जगह कहाँ पे, यहाँ पर ये मार्ग डाकना होता था यहाँ पर। नाजरीन ये भी दिलचस्प मालूमात है, ये जो है ये डाकना होता था अलाहाबाद का, रियासत बहावलपुर का, और ये बाद में फिर ये यानी बिकता गया, फिर ये अब तो ये जदीद बिल्डिंग बन गई है। ये है नाजरीन उस जमाने की मस्जिद है जिसको ये जब कैपिटल बना था सादिक मोहम्मद खान अव्वल 1727। तो नाजरीन फिर बाद में ये सबसे पहली मस्जिद थी। और ये देखें, ये है जी, ये देखें अब रेनोवेट हो चुकी है। आपने देखी होगी मुख्तलिफ पुरानी मस्जिदों में और मजारात में ऐसे ही दरसाले लगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटी होती है, देखे ना ये इतनी चौड़ी। जी जी, ये देखे दीवार है इसकी, देख 3 फुट से ज्यादा बड़ी दीवार है। बिल्कुल, यहाँ ये देखे, ये देखे बस, ये अभी इसको रेनोवेट कर दिया गया 1915 में, लेकिन ये है जब कैपिटल बना था उस वक्त की, ये मस्जिद उस वक्त की अलाहाबाद में। तो खालिद साहब बड़ी जबरदस्त है जी। अच्छा अच्छा, ये मरम्मत एक रात है, हाँ ये किसके दौर में नाम है मरम्मत कराई है, बहर से ये 1703 नहीं दी है, ये बहुत ये डिसेसरो केड़े सन दी है 1703 दी मस्जिद है। माशाल्लाह, ये थोड़े यानी के बुजुर्ग बुजुर्गवार नस्ल दर नस्ल नवाब साहब के बाद ही हम दर पे। अच्छा अच्छा, उन तो पहले कहीं बैग होला 3री नस्ल है, 3री नस्ल है। तो नाजरीन ये देख लें कि ये 1723 में ये 30 में था, 30 में ये बनाई गई थी, और इसकी रेनोवेट जो है ये 1915 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, और ये मुतवली हैं, और इस वक्त ये यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद ये उस वक्त हो गया तीसरी नस्ल। ये नाजरीन ये ऊंचे की हुई है, यहाँ पे भी ये नीचे जो है वो छत है, अच्छा तहखाना है, छत दी हुई है उसके अंदर मिट्टी डाली। अच्छा,
अंदर वैसे चले जाता कोई बंदा? नहीं, नहीं। अच्छा, इधर जो है ना वो कोई जिन्नात का कोई बसेरा है और पीछे इधर पीछे इसकी सीढ़ी है। अच्छा, वो मैंने खोली थी तो फिर जो है ना उसका फिर मामला गड़बड़ हो गया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। हमारा मुजाकरात हो गए थे उनके साथ, जिन्नात के साथ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नाज़रीन यहाँ पे एक सीढ़ी भी रह गए। अच्छा अच्छा, नाज़रीन ये नीचे जो है इसके तहखाना है लेकिन वो बंद अभी वैसे का वैसे, लेकिन उसके ऊपर छत डाल दी गई है। इसके साथ कुआं था दूसरा। अच्छा, उसकी दो थी, नीचे तहखाने वाले पानी भरते थे, ऊपर वाले पानी भरते। अच्छा, उसके जो थी ना कुआं, कोई आसार तो नहीं होंगे? हमारे इलाके में बंद हुआ है, हमारे इलाके में। अच्छा अच्छा अच्छा, जब आप यानी कि सोची थोड़ी जेड़ी जेड़ी। हां, मैं देखता रहा हूं, उसको देखता हूं कई दफा। अब वो जरूरत नहीं ना, रूटर वगैरह आ गए, नलके वगैरह आ गए, इसलिए बात कर दे। अच्छा अच्छा, तो ऊपर चलते हैं ऊपर भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, साथ ही आपका भी। तो आप कब से अलाहाबाद में आबाद है? तकरीबन 47। अच्छा, माइग्रेट होके आए थे इंडिया से? कौन से इलाके से? पटियाला। रियासत पटियाला से? और तहसील कौन सी थी? तहसील भगवानीगढ़। अच्छा, जिला सनाम। अच्छा, समाना। तो मेरे वाले साहब आए थे सरहंद बसी से, यानी उससे 2 किलोमीटर दूर जो है हजरत मजद्दद अलफसानी का मजार है। मकार खान सरहंद बसी गए, हबीब खान सरहंद बसी गए। अच्छा, इधर अलाहाबाद में है? अच्छा, दो घर है। अच्छा अच्छा, यानी आप आपकी बोली जो उर्दू स्पीकिंग है वो तो पंजाबी बोलते हैं, ढीठ पंजाबी है ना, सख्त किस्म की पंजाबी है। अच्छा, ये फिर यहाँ पे कैसे आप माइग्रेट होके आए थे या फिर जमीन अलाट करवा ली? अच्छा, जो आपको मकान मिले वो पहले बंद पड़े थे? नहीं, बस ये तो कब्जा था उनका, बेच के चले गए। बिल्डिंग है ऊपर, आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, ये रियासत बहावलपुर के बारे में आप जानते हैं कुछ? नहीं। ये 1727 में, ये वैसे 1723 भी बता रहे हैं। अच्छा, तो ये आप उस जगह रिहायश पजीर हैं जो एक कैपिटल होता था, जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। वैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि फौज में भी थे, उसमें भी थे। अच्छा, कहने लगे रियासत में अपने बहलपुर नवाब सादिक वहाँ आया करता था। अच्छा, कोई मौका होता था, कोई मस्जिद बनती थी उसको बुलाया करते इस्लाम वास्ते, यहाँ कोई गुरुद्वारा बनता था वो बुलाया करते थे, वो आया करते थे, यहाँ सिखाया करते थे। अच्छा, सिखाया करते थे। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई आपसे, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन है, ये मेरे दादा ने कराई थी। अच्छा, चार भांडे इसके डाले। अच्छा, ये नई फिर कंस्ट्रक्शन हो गई? बाहर वाली नहीं है, अंदर वाली। अच्छा, अंदर वाली पुरानी है जो नाज़रीन आपको दिखाई है, बाहर वाली जो है ये फिर दोबारा से ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो अब्दुल खालिद साहब सीढ़ियाँ देखें, सीढ़ियों से ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुआं अभी नाज़रीन यहाँ पे ये दरवाजा जो नजर आ रहा है ये सीढ़ी के अंदर वाला, ये ना जो जिन्नात का। अच्छा, यहाँ पे कुआं होता था जो जब ये कैपिटल बना है अलाहाबाद, उस वक्त ये यहाँ पे ये कुआं होता था। और यही मस्जिद जिस मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद उस वक्त की मस्जिद है और मस्जिद खिजरा। अब ये देखें ये मस्जिद। अच्छा, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको खोलने की कोशिश की गई है, अंदर जो सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ वो जो है वो दूसरी मखलूक है, खलाई मखलूक तो नहीं? नहीं, पता नहीं था। तो ये दीवार, तो फिर इन्होंने दोबारा से फिर दीवार कर दी और उनके साथ इनकी बातचीत भी चलती रही और फाइनल हो गई। चले सर, आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज मैं उस तारीखी मकाम पे, ये देखें नाज़रीन ये, और ये है वो तारीखी मकाम जब 1700 में अब्बासी ख़ानदान जो है उनकी रियासत का क़याम अमल में आया और उन्होंने पहली मस्जिद बनाई। तो ये है जी ऊपर, ये इसकी छत, ये तो दोबारा से बन चुकी है। ये है जी पुरानी मस्जिद, ये पीछे कदीमी घर है ना,
ये सारे। अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले वाले ये कदीमी घर है। ये बिल्कुल पर एक टाइल लगी हुई सारी। अब इन्होंने ये देखें, ये इतनी पीछे जो हैं ये पुराने वही बिफोर पार्टीशन, जैसी ईंट इस्तेमाल होती थी छोटी छोटी ईंटें। अच्छा ये देखें, ये गुंबद वही, ये कदीमी कब्रिस्तान है। ये मैंने आपको दिखा दिया नाजरीन, ये ठीक सर बनानी है तस्वीर। हाँ बनानी है ना, आप बैठे साथ लाल आओ आ जाए, आ जाए साथ में आ जाए, ये आ जाएगी तस्वीर। मुशर्रफ भाई कहाँ चले गए? हाँ आप भी आ जाएं, अब्दुल खालिद साहब भी आ जाएं ना। मैंने मस्जिद भी नजर आनी चाहिए, गुंबद गुंबद नजर आना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? तौसीफ। तौसीफ सर, मोहल्ले में अच्छा बाजार चलते हैं पुराने। ठीक है, मेरी रिहायश मस्जिद के सामने ही है। ये इनके सामने ये रिहायश है। अच्छा, ये जो डाखाना बता रहे थे आप? हाँ जी जी साहब, कुछ डाखाना रहा है पहले। अच्छा, रियासत के दौर में खिदमत की वजह से हम इधर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। बहुत ज्यादा ही खर्च करते हैं जी, अल्लाह के नाम पे देते हैं। सही है, इनकी बहुत ज्यादा हो गया जी, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह आपको खाना है? नहीं सर, खाना बिल्कुल नहीं खाना, तो मैं खा के निकला था। कोई ऐसी सिलसिला नहीं है आगे। फिर अभी हमने काफी इलाहाबाद एक्सप्लोर करना है अब्दुल खालिद साहब के साथ। ऊपर से करना तो आपको कोठी के ऊपर ले चले। हाँ जी, तुसी आए ही नहीं? अरे बीच दिन आई हूँ। हिंदू है वो दौसा के बुजुर्ग हिंदू आ गए, वो कह जी ये लो लोहे में घिसाओ 16 बन जाएगा। अच्छा, कहा आपके चेले बाल के खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा, वो कह लगे नहीं तो ऐसे करो पेशाब करा ढीला करके ना पेशाब का और बाहर में गेट दिया का जो का उठा रहा सोना सारे सोना सोना में। बिल्कुल जी, बुजुर्ग क्या से कम। बिल्कुल जी, बुजुर्ग ने कराम आ दूर सलाद अहमद खान। हां वो कह दिया मैं अपने साहब खान का। हां जी जी साहब खान उन्होंने सुना। सही सही, इसको बंद करें।